1992 में आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, और यूं कहें कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, बाबरी मस्जिद के को विध्वंस किया गया था। It is a failure, of course. I would not deny that. What happened in Ayodhya on 6th was very unfortunate. It should not have happened. We tried to prevent it, but we did not succeed. हाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। जैसा कि पूरे देश को आज के दिन का मालूम है कि आज के दिन का इतिहास क्या रहा है, 1992 में आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, और यूं कहें कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, बाबरी मस्जिद के को विध्वंस किया गया था, और पूरे देश में आज के दिन एक अजीब अफरा तफरी का माहौल था। लोगों के घरों में एक डर का माहौल था, पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ था, और बाबरी मस्जिद को जब शहीद हुआ किया गया था तो उसका उस वक़्त तो इतने चैनल्स नहीं थे, उस वक़्त सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और कुछ चैनल थे जो उस वक़्त इस चीज़ को कवर कर रहे थे। पूरे दुनिया की जो मीडिया थी वो बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो रिकॉर्डिंग करने के लिए परेशान थी, सब लोग वहाँ पर जमा थे। उस वक्त के एक अंग्रेज़ जो थे मार्क टैली, वो उनका बहुत नाम था, और उन्होंने जो विजुअल डाले थे वो उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। आजकल का जो आज जो है, घर घर में हर आदमी के हाथ में व्हाट्सअप है, फेसबुक है, और अपना कहना चाहिए यूट्यूब है, तो हर आदमी जो है इस वक्त कुछ भी करना बहुत आसान है, उसको प्रमोट करना। उस टाइम पे जो आजकल 6 दिसंबर 1992 में जो माहौल क्रिएट करने के लिए उस वक्त के जो हमारे नेता लोग थे, यानी बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी, और एक पूरे हिंदुस्तान में वो रथ यात्रा घूमने के बाद 6 दिसंबर को उसको भी अयोध्या में ही जाकर ख़त्म करना था। वो उस वक्त के हमारे जो नेता थे, चाहे उसमें अशोक सिंघल जी हों विश्व हिंदू परिषद के, चाहे प्रवीण तोगड़िया जी हों, चाहे उमा भारती जी हों, सब लोगों को अपना अपना राजनीतिक कैरियर तो बहुत ऊंचा चला गया था उनका ग्राफ, और आज उनके क्या हालात हैं, कहां पर हैं वो लोग, उस वक्त जो माहौल खराब हुआ था उसमें कितने लोग मरे थे, क्या उन मरने वालों के घरों में जाकर चूल्हा इन लोगों ने जलवाया, क्या उन लोगों के घरों में जिनके बच्चे मरे, जिनके बच्चों के सर पे से बाप का साया हटा था, क्या इन्होंने उसके सरों पे हाथ रखा, जिन बहनों का सुहाग उजड़ा था उन लोगों के, उन बहनों के ऊपर इन्होंने कुछ अलग से सपोर्ट की, इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का माहौल ख़राब कर दिया था। पूरा देश में एक अफरा तफरी का माहौल था, हर तरफ से लोगों में डर का माहौल था, और पूरा हिंदुस्तान जल रहा था। उस वक्त का जो वो रथ यात्रा निकली, जो ये हिंदू संगठनों ने एक माहौल क्रिएट किया था, और बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उस वक्त के माहौल के बाद देश में क्या हालात हुए सबको मालूम है, सबके जग जाहिर है। बस फायदा क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार बनी, और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे वो उप प्रधानमंत्री बने, उमा भारती जी को जो था वो कैबिनेट में मंत्री पद मिल गया, अशोक सिंघल जी का स्वर्गवास हो गया, उनको भी एक अपना राजनीतिक स्तर उनका बहुत ऊंचा हो गया था। प्रवीण तोगड़िया जी आज कहाँ है किसी को नहीं मालूम, मगर जो हमारे देश का उस टाइम का जो ये आघात हुआ था, उससे हमारे देश में क्या माहौल हुआ आज तक उसको झेल रहे हैं लोग।
और आज फिर कुछ बीजेपी नेता एक नया षड्यंत्र रच रहे हैं और अब ये नारा लगा रहे हैं कि हम जो है मथुरा की शाही मस्जिद को, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि को, वहां पर हम जल अभिषेक करेंगे, उसमें चाहे हमारे देश के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे बीजेपी सांसद रवि किशन जी हों, चाहे कंगना रावत हों, ये लोग पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, यानी जिससे पब्लिक जो है वो जो भक्त लोग हैं वो देश का माहौल ख़राब करने के लिए उतारू हो जाएं और इन लोगों को अपना राजनीतिक कैरियर बनाने में आसानी हो जाए। मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए देश को जो है देश का माहौल ख़राब ना किया जाए। हमारे देश में जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखा जाए। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ असंगठित जो संगठन है, हिंदू संगठन है, चाहे इसमें विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू वाहिनी हो, और नए नए संगठन जो बन के आ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के जो है वो भ्रम फैला रहे हैं। इस वक्त बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, लाइन ऑर्डर उनके हाथ में है, कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे राज्य में ऐसा हो। इसीलिए अलग अलग संगठनों के कुछ लोग जो हैं वो मैसेज दे रहे हैं कि 24 के बाद हम इसको देखेंगे, यानी 24 तक जो है वो बाबरी मस्जिद उनका प्रायोरिटी है, बाबरी मस्जिद का बनाना 24 के बाद इसको देखेंगे, यानी नौजवानों को अभी से भड़काया जा रहा है कि 24 के बाद हम इस पर काम करेंगे। इससे क्या मैसेज हमारे देश का जाएगा? हमारे देश की जो हालात है इस वक्त, लोग कोरोना की वजह से नौकरियों से लैस हो गए हैं, नौकरियाँ नहीं हैं बच्चों के पास, लोगों के पास खाने को नहीं है, और कुछ असामाजिक तत्व इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे देश में कुछ भी असंप्रदायिकता फैले और हमारे देश का माहौल ख़राब हो। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम रखा जाए। लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए पब्लिक का इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक जो है वो जज्बात में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उसका क्या खुमियाजा निकलेगा वो ये नहीं सोचते कि वो किसके बेटे हैं, किसके बच्चे हैं, उनके बाद उनके पीछे कौन है, उनका क्या होगा, क्योंकि कोई भी राजनेता इन झगड़ों में नहीं मरता है। इन झगड़ों में अवाम मरता, अवाम को ही मरता है और अवाम ही परेशान होता है। हमें बहुत सोच समझ कर, क्योंकि इस वक्त हमारे देश के जो हालात हैं उनको हमें सामने रखकर और उसके ऊपर काम करना है। सब लोग को समझदारी से काम लेना है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे देश का माहौल ख़राब हो। हरचंद ये लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भी झगड़ा हो जाए और राजनीतिक फ़ायदा उठा लिया जाए। राजनीति करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है, राजनीति की जाए मगर अच्छी राजनीति की जाए, जिससे हमारे देश मजबूत हो वो राजनीति की जाए, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले वो राजनीति की जाए, जो हमारे देश में गरीब लोग हैं उनको खाना मिले और वो अपना जीवन अच्छे तरीके से यापन करें, हमें ऐसी राजनीति करनी चाहिए, ना कि हमें ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिससे हमारा देश के जो माहौल है वो ख़राब हो, हिंदू मुस्लिम झगड़े हों, लोगों के घर जलाए जाएँ, लोगों को मारा जाए और फिर देश का जो है हमारा जो विकास कार्य है, जो हमारे देश के गंगा जमनी तहजीब है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। 22 हिंदू संगठन ने अभी वहां पर मथुरा में जाकर जल अभिषेक करने के लिए ये आह्वान किया था, मगर योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उन्होंने मथुरा को पूरी तरीके छावनी में तब्दील कर दिया है। पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ लगी हुई है और वहाँ पर जो है रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है, पीएसी लगी हुई है, बीच वहाँ पर जो भी आदमी जा रहा है उसका आई कार्ड देखा जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी देखी जा रही है, तब उसको
अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ये देश का जो जो इस वक्त मथुरा का माहौल है, जो मथुरा में लोग रह रहे हैं वो कितने भय माहौल में रह रहे होंगे। या आज तक जो अयोध्या में लोग हैं उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे किस तरीके से जीवन यापन हो रहा है, वहाँ पर जो माहौल था वो किस तरीके का था। आज का जो माहौल है मथुरा में वही माहौल क्रिएट किया करने की कोशिश की जा रही है जो 1992 में अयोध्या में की गई थी। मैं अपने तमाम उन मित्रों से ये बात कहूँगा कि वो लोग पहले अयोध्या में जाएं और अयोध्या के लोग जो वहाँ पुराने लोग हैं जो 92 में जवान थे उनसे पूछे जाके कि वहाँ पर 92 में और अब में क्या माहौल कैसा माहौल है। फिर वो मथुरा में जो आजकल लोग जी रहे हैं वो किस तरीके से अपना जीवन जी रहे होंगे उन लोगों के दिलों से पूछिए, क्योंकि मथुरा में इस वक्त भय का माहौल है। हर आदमी डरा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। झगड़ा होता है तो न गोली ये देख के लगती कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। जब दंगाई लोग आते हैं तो उनके सामने कोई भी आए उनको कुछ नहीं दिखता। तो लिहाजा हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसे कायम रखिए और जो हमारे देश का माहौल है उसे बनाए रखिए। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें दोबारा बन जाएंगी, फिर और कोई बनेगा, आप भी बन सकते हैं, मगर देश में एकता और अखंडता कायम रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।